का साथ कोई देगा उसे तो मिटा देंगे, जमाने को क्या इंस्टाग्राम को यूं हटा देंगे। अरे भाई देखो सीधी सी बात, अभी तो 5 अगस्त को इसकी ट्रायल शुरू होने दो भाई, मैं तुमको लिख के देता हूँ, ये मादरचोद को ना लोग चप्पलों से मार, मेरे देखना। ना तू मुझे मुझे होनी चाहिए ना, मैं शक्ल दिखाऊंगा, डीएम में बात करना, मैं इनकी मार गांडी फाड़ दूंगा जो हैराम जादो सूफी की। गाली दे रहा है आपको। अरे कुत्ते भोंकते शेर को क्या परवाह, इसे क्या परवाह भाई, ये शेर है, पनौड़ी एक ही है अच्छा आप भी बस, पंजाबी हो क्या, और आप ऐसी भी एक ही मैं पंजाबी हूँ। हो, हाँ आप कैसे बात पता, ऐसे कर रहे हो ना, इसलिए समझ आ रही है मुझे। नहीं पंजाबी हूँ। वो नीचे गाली दे रहा है वो, मतलब ये क्या है यार, आप अरे अटली के लिए बोल तेरे रहे हो तो वो सब, गाली दिए जा रहे। अरे वो पता है क्यों, अरे वो उनके वहां का है ना, जीरकपुर का है ना, अच्छा वो पनौड़ी के टच में, उसके टच में आता है ना, क्यों ना वो जो हाँ कुत्ते हाँ ये वाला, इधर ही तो है, वो नीचे बैठे। उसके, हाँ उसके टच में आता है, जीरकपुर चंडीगढ़ के इधर हाँ है, और जो उसका भाटिया है वो वहीं रहता था, ये अपना दिल्ली में विकासपुरी के इस तरफ ही। मतलब सूफी नहीं, आप ये बोलना चाहते हो सीधा सीधा कि सूफी रिप्लाई नहीं करेगा इसलिए क्योंकि वो भी जीरतपुर में रहता है, एक रैपिड्स हाँ को ये सपोर्ट भाई करेगा। वो था ही, अच्छा दोस्त है, वो तो ओके करेंगे भाई, वो तो करेगा, हर कोई करता है। आप परोड़ी में क्यों, और मैंने देखा, मैं इसलिए बोला क्योंकि मैं कभी लाइव देखता हूँ, कभी नहीं बोलता, मुझे वही दिखा ना गंजा, अरे भाई जो गंजा बैठा देखो था मेरा आपके पनोड़ी दोस्त है, और पनोड़ी रेप करेगा तो मैं साथ। पनोड़ी नहीं को पेल नहीं दूंगी, वो मुझे, मैं तो सही बोलती हूँ। मुझे गंजा, देखो मुझे गंजा दिखा तो ये उस दिन बोला मैं यूएसए का हूँ, मैं उसकी गांड फाड़ दूंगा पनोड़ी की, भाटिया को बोला सुरेश भाटिया को, मैं इसकी हवा टाइट कर दूंगा, मैं हनुमान को जानता हूँ, हनुमान ने इससे बात नहीं करी, भाटिया से कर रहा था, सूरज भाटिया, हाँ हाँ हनुमान से बात नहीं करी, इसलिए राइट मैं राइट झूठ राइट बोल राइट रहा। आपने सूफी का एक लैंग्वेज सुन लो हाँ नीचे क्या उन्होंने मैसेज दिया। अरे यार मैं क्यों देखूं, मैं शेर हूं, शेर कभी कुत्तों के मैसेज देखेंगे क्या, इंसानों के देखेंगे, हम देखेंगे क्यों, हम अपने आप को देखेंगे। आलू बने चटपटे नींबू निचोड़ दूं, इनके या सोगो मैं पूरा ही फाड़ सूफी के दूं। लंड पे ना चढ़ी, अरे सूफी के ऊपर आ जाओ ना, सूफी को लंड पे चढ़ाएंगे, आपका अरे पंजाबी सूफी भाई मुझे ऊपर आ लैंग्वेज जाओ का भाई, मत आपसे लगा। ये बरसा मतलब इतना किलसा हुआ है तो ऊपर तो आ जाओ। अरे सूफी भाई आ जाओ, मैं तो मगर वो खुद गालियां लिख रहे, कह तो रही है, मैं तो देख ही नहीं रहा, भाई पावर खत्म हो गई क्या मैं तो भाई, सूफी आंखों आ का, जाओ की बोल रही है, मैं तो नीचे आंखों बैठ का के सुरमा पंजाबी निकाल पंजाबी दूंगा, की बोल काजल रही है, बना इधर आ दूंगा, पुत्र आ जा कहना आंखें जल्दस। आंखें तेरी नैन कटा रही, आंखें तेरी नैन कटा रही, सुमा बड़ा हिट, मैं भी तुझे चोट के रहूंगा, लड़का बड़ा हिट। वाह 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 अब क्या सुन बात ले, है। ये कौन है दो कोड़ी का शायर, ओ हंडी मंडी शंडी, अरे तू तू जो भी है तेरी मौत माँ बहन है थी ओ रंडी, ढकन, तेरी और ये जो माँ गस्ती बहन चला रही है बीवी लाइव है जो क्या, सूफी तेरी तो सूफी कर रही बीवियां है, इसकी भी पीती माँ का घोसड़ा ना, और चल, रही है। अच्छा तेरी माँ का तेरी भोसड़ा नहीं है बहन बहन की, चोट, बहन की लोड़ी रंडी मेरे लंड पे इसकी क्यों माँ चढ़ का, रही है, तू आज बता, बहन तू की मेरे लोड़ी मैंने मोहल्ले तेरे को कभी कुछ कहा है मादरचोदी, तू का मेरे पीछे क्यों पड़ी है, बहन की लोड़ी बता मेरे को, तेरे साली दो कोड़ी की गस्ती, जब लोग को तुझे बहन गाली देते हैं मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ, तू की मादरचोद मेरा, तू बहन की लोड़ी, दो दो कोड़ी के लोड़े कुत्तों से मेरे को समझाना, सामने चल निकल बिठवारी सूफी चल तेरे को, अरे तेरे सुन तेरी अपनी ऐसी, औकात, चल निचल तेरी औकात ये मलाइका ये समझती है, भाग चादर गया की भाग डाल के गया, अरे लौंडा भागेगा भागेगा, साला, तू जो अरे चलाता है रैप इसको मैं जन, करने इसको वालों अरे को भाग गया, सपोर्ट तुम करता बहन मुझे का मैसेज दे लौंडा, दिया, पता क्या साला होता है, जो किया छोटे मोटे बंदों को, छोटे मोटे बंदों को कभी बहन नहीं तो देखना चाहिए, सही। ये दीपक अरे के, यार दीपक के उसको साथ क्यों भगाओ बना मत था यार, ये, उसको भगाओ, भगा क्यों रही हो यार, उसको ऐड करो सूफी अरे भाई को। मैं मेरे चूत में रहते हैं ऐसे लोग, मैं मूत के निकाल दूं बहन छोट को, अरे गालियां दे रहा हूँ मेरे को, तो मैं तो अभी मैसेज देख इसको रहा, ऐड पता तो नहीं कर क्यों ले देख एक रहे हो। बार सूफी को, मतलब क्या हो गया भाई तुम दोनों का फिर से, अरे मेरा कुछ नहीं हुआ, आके गाली दिया पता नहीं सुनाई नहीं दिया लड़का मुझे क्या, गाली दे रहा, अरे सुनाई नहीं दिया गाली दिया, दे रहा है मैं बहन का टट्टा लौंडा, मार दे रहा था यार, क्या हो गया एकदम से, इसकी माँ चूत गई होगी, गालियां झूठ देगा बोलने से गालियां इसकी माँ सूफी चूतती है भाई, ना, तो सच बोल रहा है। क्या है यार तुम लड़ाई करते रहते हो फालतू में बहन चोर, मैं लड़ाई नहीं, इसने क्या बोला, जो अरे पर लाइव ऐड चला तो रही होगी उसको भी कर माँ का ले, ऐड तो बोलता, कर तेरी ले, माँ की ऐड तो, चूत भोसड़ी अरे पे ऐड दल्ला तो कर साला, दे, ऐड तो कर ले, बहन चोदू साला चूतिया हिजड़ा कहीं का,
गाली नहीं बकना, पहले बात तो ये बोल रही हूँ दोबारा। अरे लेकिन पहले ऐड तो कर ले, जो क्या हो तेरे गया? तो बोल रहा है ना उसको बोल सूफी, मेरे को नहीं बोलने का चूतिया, दूसरी बार है, तीसरी बार मैं पहल दूंगी तुझे। मैं सुन मेरी बात सुन ध्यान से, अपना ना एक डिस्टेंस बना के रखा कर, अगर कोई तेरे को इज्जत दे रहा है तो उसके सर पे मत चढ़ो, पहली बात तो ये। जब सुन तो ज्यादा हवाबाजी मत कर, देख मेरे को सबकी खबर आती है यार। लेकिन क्या हो गया तुम आके इतना, मतलब क्या हुआ क्या? बिना मतलब, अरे यार देखो पता नहीं, ये एक सुनो पनोड़ी भाई, मैं आपको बताता हूँ, ये दो चार दिन पहले लाइव पे बैठी हुई हवाबाजी कर रही, बोलो सूफी भाई, ये लंड कौन है बहन का लोड़ा, दो कोड़ी का टट्टा, इसे नीचे करो, मादर चोद, बोलना मत बीच में, तेरी माँ की कच्ची फाड़ के तेरे मुंह में डाल दूंगा, समझ आई? तेरी माँ की डेट वाली पट्टी तेरे नाक में डाल दूंगा, मादर चोद चुप कर जा, बीच में मत बोलियो, तेरी माँ की चप्पल चप्पल मारूंगा भोसड़ी के, जाठे पाट के ना तेरे सर पर चिपका दूंगा भोसड़ी के लंड, तेरी बहन की चूत में ना गन्ना, गन्ने का जूस डाल के गन्ना बना दूंगा गुड़, ये दस दुल्फे ऐसे खींचूंगा तेरी बहन को, पानी में गिरा गिरा के तेरे मुंह में बड़ा मजा आएगा, तेरी बहन को भी भेजियो, स्ट्रॉबेरी कॉन्डम भी भेजियो, साथ में बर्फी भी भेजियो, तुझे मामा बना के भेजूंगा एक ही बार में, तेरी बहन को भेजियो, तेरी बहन को भेजियो, साथ में बर्फी का डब्बा भेजियो, मामा बन जाएगा एक ही बार में, तेरे जैसे को बाद में देखूंगा मैं, तेरी गांड में ही मारूंगा तेरे को, तेरा बाप चढ़ गया बहन के लोड़े, तेरे जैसे 36 झूमते हैं यहाँ पे, सुन ये तो इस रंडी ने तुझे बिठा रखा है, तेरे को लंड पे नहीं मारते हम, अरे कैमरा बंद कर अपना, तू बाहर रहता था क्यों? ये ऐसे ऐसे तल्लो भड़वो से ना मेरे को मत भिड़वाइयो, मैं तुम सबको खा जाऊंगा, मादर चोदी रंडी, तेरे को सबको खा जाऊंगा मैं यहाँ पे अकेला ही, रुक तो जाओ, अरे लेकिन रुक तो जाओ, एक सूफी भाई क्या हुआ तेरा, सूफी भाई क्या हुआ था बताओ, दूसरा भी तोड़ दूंगा मैं, अरे लेकिन जो दांत टूटा, अरे भाई क्या, ये किसने लंड मारा था यहाँ घुमा के, अरे लेकिन भाई सूफी भाई क्या हुआ, अरे बहन चोद अभी मैं छाती पीटने लगूंगा ठाणा भाई जोगिंदर की तरह, मेरी बात सुनो सूफी, फिकारी गाली नहीं देने का, चुपचाप बैठ इधर चूतिया, जो गाली सूफी भाई क्या हुआ था, क्या भाई क्या हुआ है, चार दिन पहले ना पनोड़ी भाई, अरे इनको चुप कराओ पहले तभी बताऊंगा, हाँ बोलो, दोबारा रंडी बोला ना भोसड़ी के, याद रखना, नहीं डॉक्टर मार दूंगी, डॉक्टर मैडम अब ठीक है, नर्स बोलूं, डॉक्टर बोलूं, क्या बोलूं बता, तूने गाली किस लिए दिया मुझे, तूने गाली क्यों नहीं, तुझे मैं क्या बोलूं, जा बहन चोद, जब लोग तेरे को गाली देते थे कौन स्टैंड लिया तेरे साथ, जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे बोलता नहीं है तू, यहाँ पे गाली देने आया कि तू पेंच कहीं दे दिया मेरे को, जहाँ पे बोलना चाहिए बोलता हूँ, मुझसे जितना सच कोई नहीं बोलता होगा यहाँ पे, सब दोगले सांप है यहाँ पे, समझ आई? बेगैरत औरत, तेरे को कितना साथ दिया मैंने, कहा तुमने यहाँ पे, तुम यहाँ पे सपेले बन के बैठ गए, बोलो क्या बात हुई थी यार, चार पांच दिन पहले ना इसने कोई लाइव अच्छा। चलाई और बोल रही है सूफी भी ऐसा है, सूफी भी दोगला है, मैंने कौन सा इसकी गांड मार के भाग गया हूँ जो मुझे दोगला बोल रही, भाई मैंने इसका स्टैंड लिया हमेशा, अरे भोसड़ी वाले, अच्छा तो ऐसा फलह का तुमने बोला था, मैंने क्या बोला, ये कपिल पुरी को क्या बोल रहा है भाई, कपिल पुरी मेरा भाई, मेरा अपना भाई है, मैं मलाइका को सपोर्ट क्यों करूं, तो यहाँ पे माचूदारी आया बोलने के लिए, तेरी माँ की चू, तू मेरे को प्रूफ ला दे अगर मैंने ये शब्द बोले कि मैं मलाइका को, मैंने कभी नहीं बोला पनोड़ी भाई, समझो यार तुम, सुनो भाई सुनो मेरी बात सुनो, बोला नहीं इस गस्ती को कभी नहीं ऐसे बोला, मैंने सुनो मेरी दोस्त है यार, मेरी बात सुन लो, चाटने वाले हिजड़े, अरे मेरी बात तो सुन लो, देखो मलाइका तुम्हारी दुश्मनी, सुनो तुम्हारी दुश्मनी अपना ये चपिल पूरी से है, अरे तो ये ठीक है, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला यार कि मैं मलाइका को सपोर्ट नहीं करूंगा, ये बोल, अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात,
तो सुन ले, तो देखो यार बात ये होती है कि अगर तुम्हारी चपेल पूरी से दुश्मनी है तो मलाइका देखो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी लाइफ पे आने वाले तुम्हारे यार दोस्त सब लोग उसको गाली दिया दे। क्यों गाली दिया? क्या हुआ? इसने मुझे गाली क्यों दिया आके? ये बंदा कौन है मुझे नहीं पता पनौड़ी। वो आके ये बोलने लगा कि वो बंदा गाली दे रहा था। मैं गाली इसलिए दिया, तू इस दो कौड़ी के आदमी को बोल रही है सूफी तुझे गाली दे रहा है, तू मुझे भिड़वा रही है। दो कौड़ी का आदमी है, मुझे तो ये अमीर लग रहा है। अमीर लग रहा है तो उसका लंड पकड़ ले और मुंह में ले ले। मेरे लंड है ना, मुझे मत बोला अमीर है कि गरीब है, मुझे कोई मतलब नहीं है अमीरी गमीरी से। समझ आई? तू वेश्या थी, तू रंडी थी, मैंने तेरे को अपना दोस्त बोला, तुझे इज्जत थी। समझ आई? अच्छा तो फिर उधर भी सही। तू बहन जो मेरे को लाइफ पे बैठ के गाली दे, मैं तेरा भला करूँ, तू मेरे को गाली दे? सब जगह में मीठा बन के दोगलापन करेगा। अरे सुन सुन सुन, अरे अपन को दोगले चाल चलने ना तो आती है ना अपन ऐसे है। अरे सबसे तेरे को समझ वो बाबा है भाई, मेरी बात सुनो, बाबा है बाबा। अरे ये भैया आप नीचे जाओ, वो बाबा को ऐड करो, बाबा को ऐड करो, ये बंदे को नीचे करो भाई। आप नीचे जाओ भाई, आशिक भाई आप जरा नीचे जाइए, वो बंदा आया उसको ऐड नीचे जाओ। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। ओके ओके चलो आ जाना, ऐड होना, आपको गाली बकना है ना तो ठीक है ठीक है। ओके खाली लाइफ पे ओके ओके, आपका डीपी चेंज मत करना भाई। ठीक है, नहीं नहीं डीपी का चेंज करेंगे, थोड़ा डरेंगे। आना और जिसका जो मर्जी हो जिसको गाली देना, जैसे ये लोग दिलवाते ना मुझे, आपको मैं बैठा। अरे यार मलाइका तुम ऐड करो वो बाबा को, वो बाबा कलप रहा है। अरे नीचे वो बाबा को ऐड करो, वो कलप रहा है, वरना वो हमारा सबकी आईडी उड़ा देगा यार, तेरी मेरी सूफी की सबकी आईडी उड़ा देगा, सिर्फ वो अकेला लाइव चलाएगा। फिर ऐड करो उसको। अरे मुझे तो मजा आ रहा था पनौड़ी भाई, मैं तो नीचे से देख रहा था, मैं मजे ले रहा था, क्या दिक्कत भाई? लेकिन बात ही पता नहीं चल रही है कि क्या हुआ। देखो मैंने देखा सब कुछ देखा उसमें, इसमें गलती मलाइका की है, क्योंकि मलाइका ने क्या किया, मलाइका ने क्या किया कि वो गाली दे रहा था, तो मलाइका ने सिर्फ एक क्रिंज वे में उसको कलपाने की कोशिश की, फिर दोबारा गलती किया इन्होंने सूफी भाई ने, तो सूफी भाई को इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यार मजे ले रहे हैं आप, मजे जैसे कल हम लोग कर रहे थे, कल वो आई थी सुहाना आई थी, सुहाना के साथ ही हम लोग उसको कलपाने की कोशिश कर रहे थे। मैं कर रहा था, गाली दे देगा मुझे। हाँ वो ही बोल रहा कि थोड़ा सा इनने फिर तेजी से इसको बोलने लगे, तो आपको बिल्कुल कूल रहना था यार। बाबा मैं आपको बताता हूँ, और तीन चार दिन पहले ना ये गलती तुम्हारी इसलिए कि जब तुम्हारी बॉन्डिंग सूफी भाई के साथ अच्छी नहीं है, जैसे मेरी है पनौड़ी भाई की है, हम लोग ऐसा करते हैं तो वो बुरा नहीं मानते, तो वो जब आपकी बॉन्डिंग आपस में सही नहीं है तो फिर आप ऐसे लोगों के साथ मत मजाक करो, नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी आपस में और कुछ नहीं होगा। ये दूसरी बार इसने गाली दी मुझे। बाबा इसकी ना हमने हमेशा रिस्पेक्ट की, वाटरमेलन आई है ये मेरे को लाइका। तू एक पहले सुन, एक प्रूफ लाके दे जिसमें मैंने ये कहा हो कि मैं मलाइका को सपोर्ट नहीं करता, एक प्रूफ लाके दे। मैंने हर लाइव पे बोला है कि अपनी दोस्त है वो, मैं हैरान हो गया, मेरे टट्टे सुकड़ गए जब मैंने ये सुना। ये कह रही यार एक मजाक चल रहा था, ये इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, वो बात नहीं बाबा, 5-6 दिन पहले लाइव चला रही थी, मैं हैरान। मैंने बोला यार हमने तो हमेशा रिस्पेक्ट करी, हमने तो कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, हुआ तो हुआ, सुन 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 सुन, हुआ तो इसको सपोर्ट किया, नहीं हुआ तो भाई इसको गलत कभी नहीं बोला। और यार अपना ही दोस्त बैठ के बहन चोद हमारी छाती पे, अरे ऐसे बहुत सारे रैंडम आते हैं यार, रंडी बोला था रैंडम आते हैं, और कोई कुछ भी बोल देता है यार, अपन तो कूल रहते हैं यार, क्या दिक्कत है साला, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के अंदर पेशेंस बहुत कम हो गया है यार, लाइव देख बाबा यार, पता गाली गाली वाली से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आप अपने दोस्तों के बारे में रोंग स्टेटमेंट तो आप तो मत दो यार, बाहर का दे तो दे बहनचोद, हम खड़ जाते हैं, महाजन की कितनी बात चोदता हूँ मैं, शेरनी के पीछे पड़ जाता हूँ, सबके पीछे पड़ जाता हूँ। वो रंडी है शेरनी, वो रंडी है, वो बहनचोद को काम था अपन लोगों का उसको पागल करना, वो रंडी को पागल कर दिए है, वो बहन की लवड़ी कुछ नहीं कर सकती है, उसके पति को कल मैं नरक में ले जाके चोदा हूँ, उसके पति की गांड मारा हूँ नरक में जाके, क्या बात कर रहे हो।
अरे पति को नरक में जाके गांड मारा, उसका पति भीख मांग रहा था कि मेरी बूढ़ी औरत, मैंने तो एक रंडी को लिया था, मतलब रंडी से शादी कर ली थी, तो तुम अब मेरी गांड तो मत मारो नरक में आके। मैं बोला तेरे को मारूंगा मादरचोद, जूते से मारूंगा तेरे मुंह पे। तो यार वो रंडी, मतलब उसके पति से मेरी मुलाकात हुई थी नरक में, कल मैं गया था नरक, थोड़ा सा ऐसे काम मुझे, तो मारा था मैंने उसको, जूते से मारा था मादरचोद को, तेल में तल रहे थे उसको भोसड़ी वाले। पूछा था कि किसने मरवाया बाबा, किसको? उसकी वो नरक में जो पति है उसका। अरे वो बोला भाई यार मैंने जीबी रोड से खरीद के लाया था गुड़गांव की रंडी को। अच्छा। ये मादरचोद रंडी थी तो मैं क्या कर सकता, मरवाता था तो वहां खरीद के लाया गया था, फिर इसको गोद लिया गया था कि कालू को पढ़ाएंगे और कालू को विदेश भेजेंगे। तो कालू पढ़ लिया है और वेटर का काम कर रहा है यूके में, और उसकी मेल आईडी वेल आईडी सब कुछ है मेरे पास, अगर आप लोग बोलो तो बोलो, मेल आईडी भी बोल देते हैं बेटे की। उसके नीचे, मतलब नीचे नीचे भाई बाबा टाइप करके नीचे पिन करवा दो, मैं ऐसे ही बोल देते हैं पनोड़ी भाई, एक सेकंड हम बोल देते हैं उसके बेटे की आईडी मेल आईडी, उसके लिंक्डइन का कनेक्शन उठा लिया है। आप गिरा हुआ इंसान के बारे में कुछ पता कर पाए या ना कर पाए, हम आपके बेटे की फैकल्टी, आपके बेटे का दोस्त वोस्त का सबका नंबर ले लिए हैं यार बहनचोद, और सबको मेल चला जाएगा। आप बोलिएगा उनको कि आईपी एड्रेस से हैक करवा के बता दीजिएगा। तो यार पहले तो कहानी नहीं सुन रहे हो, तो उसके जो बच्चा है ना कालू बच्चे को, उसको लाया गया था पहाड़गंज से, तो कालू बच्चा को अभी वो क्या है गांड मरा मरा के थक गया था, तो उसको यूके भेजा गया है क्योंकि उसके जैसे पांव खराब हो जाते तो पेडी क्योर हो जाता है, तो गांडू क्योर किया जा रहा है उसके गांड का। वाओ। हाँ। और उसका जो भी खर्चा है उस खर्चे को पुराने के लिए भाई दिल्ली के जीबी रोड में वो अपनी आल्टो लेके फिरनी जाती है, चुत्ती है 300 रुपए 500 रुपए में, हर जगह पे जाती है, चुत्ती है 500 रुपए में, तो उससे थोड़ा सा डीजल का पैसा निकल जाता है, जो पैसा बचता है वो जाता है कालू के पास। तो अच्छे लोग हैं यार, अपना काम है इन लोगों को पागल करना, तो हमने इनको पागल कर दिया है। अभी आप रात की लाइट चलाइए, 15 सितंबर तक चलाइए, 15 अक्टूबर तक चलाइए, बाबा को लंड भर के नहीं पड़ता है। हाँ क्या बात कर रहे थे यार, मलाइका के साथ लड़ाई तो करो यार थोड़ी देर अब। बाबा तुम्हारी बात ज्यादा अच्छी है मेरे मैं नरक गया था गाड़ मार रहा था। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा था, कल यवराज का फोन आया था, मेल किया था मुझको कि आओ यार थोड़ी देर मिलो विलो, बहुत दिन से आए नहीं हो। गया था उसको तेल में तला हूँ मैं, उसके पति को मारा था जूते जूते से, साला गंदा इंसान। बोल रहा था भाई मेरे को रंडी मिल गई थी तो इसीलिए तो मैं मर गया हूँ मादरचोद, अच्छा हुआ भगवान मुझको बुला लिया, जिंदा रहता तो उसकी मौत। मतलब एक चीज बाबा तुमने पूछना भूल गए यार, तुम्हें पूछना था कि भाई तुझे मतलब सही में तुझे तेरी छाती पे गोली मारी थी या तेरी गांड में गोली मारी थी? मेरा डेली का आना जाना होता है पनोड़ी भाई, तो मैं अगली बार कल जाऊंगा या अभी देखो लाइव के बाद भी जाऊंगा। अच्छा, मैं नरक की बार जाना तो बोलना मलाइका लड़की अच्छी है क्या, तुम सादा करोगे? वो एक को नहीं झेल पाया, नरक की आग में तप रहा है मादरचोद गांडू। नहीं नहीं इसका कलेजा फट जाता है ना कि मलाइका इसके आइटमों को पटा लेती है, ऐसा बोलती है लाइव पे, तो मैं इसके पति को पटाना चाहती हूँ। भाई देखो मजाक सुन, पनोड़ी भाई कल की लाइव भी देखी थी रंडी फेक आईडी से, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग आई थी जब पुलिस वाले आए थे। हाँ। और उसके साथ एक भड़वा बैठा था वो सान करके, उसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास आया, बोला कि ये बाबा क्या करता है पेटीएम से पैसे लेते हैं और उनके साथ 50-50% पार्टनरशिप में हो जाती है, ये हो जाती है। भाई सबकी आईडी लिंक होती है, फोन पे नंबर वहां पर होता है, हमारा इंटेंशन प्योर है, आपको जो भी समझना हो समझो मादरचोद, 100 लोगों के सामने भोको, तुम्हारे पति को मादरचोद नरक से लाके मादरचोद माचो देंगे। मरने के बाद भी भाई पुलिस वालों ने इतनी लातों से इसकी डेड बॉडी को मारा है, ये हरामी के बच्चे को, जिसकी कोई हद नहीं थी। ये बहन की लॉरी अपने पति के लिए, पति के लिए मतलब इसकी ये जो रखेल थी कुंडू की रखेल, भाई ये अपनी अपने बच्ची की ये पति की मतलब के ये इसके बड़वे की जब ये डेड बॉडी लेने के लिए गई ना, सुभी भाई पता है तुम्हें? नहीं पता भाई, नहीं पता। अरे इतने लोगों ने इसको चोदा है ना, इतने लोगों ने इसको चोदा है, बेंचो मुर्दा घर में चोदा, सब जगह पे इसकी चुदाई हुई, उसके उसके बाद इसके बड़वे की लाश इसके हाथ में दी। अरे बाप रे। हाँ
क्योंकि जिन लोगों ने मारा मिला था तो वो मुझे बताया था मुझे कि जब वो मारा था तो उसको जूते चप्पलों से मारा जा रहा था उसकी लाश। जिन लोगों ने मारा था ना भाई वो बहुत ही पावरफुल लोग थे, तो उन्होंने ये तय किया था कि ये रणवे को तो मार डाला लेकिन इस रंडी को है ना अब इतनी चुदवाएंगे इस रणवे की लाश के लिए भाई बहुत चुदा लोगों ने। सबसे बेंचो मतलब के वो जो लाश उठाने वाला कौन होता है वहाँ जो मुर्दे घर में होते हैं क्या होता है वो समझ गया वो डोम उसने भी चोदा है भाई इसको सोचो। अरे मैंने कल एक स्टोरी डाली थी आप लोगों ने देखा क्या कि वो देखो नरक में गिरा हुआ इंसान गांड मार रहा है हाँ तो वो मैं बताया ना आपको कि मैं गया था तो वो वहीं की फोटो थी उसने भाई ये पोस्ट तो कर देना गिरा हुआ इंसान आईडी में मैं बोला ठीक है यार कर दूंगा यार सुनो बाबा तो कुछ भी नहीं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा आप वो देखना रेयर ओरिजिनल विदाउट एडिटिंग इसकी चुदाई की वीडियो है। क्या बात कर रहे हो भेजना है यार पनवड़ी भाई को भेजी हुई है मैंने आप एक बारी चेक कर लेना ये सच्चाई है बाबा ओरिजिनल वीडियो है। आपको एक चीज पता नहीं है शायद ये पहले लड़कियां सप्लाई करती थी नेपाल से लाके यहाँ बेचती थी। अरे अभी भी भाई बाबा वो वीडियो उसके बेटे को वो वीडियो भेज दो मेल कर दूंगा उसके बेटे को बहनचोद को। पनोड़ी बाबा याद है सुबह सुबह लड़की क्या बोल रही थी ये लड़कियों का भड़वीन है कॉल करके बेचती है याद है अभी भी करती है वो पहले क्या करती थी। मेरे पास FIR की कॉपी पड़ी है अभी मैं आपको सिर्फ DM में बताऊंगा उसकी डेट इसके ऊपर क्या क्या धाराएं लगी थी वो सारी मैंने निकलवा ली हुई है सारी डिटेल। अरे पनोड़ी भाई आप मुझे एक चीज बताओ पनोड़ी भाई हेलो पनोड़ी भाई आप मुझे एक बात बताओ ये बोल रही थी आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी लिया गया है आप एक बात बताओ मुझे और सूफी भाई आप भी बताना आज तक आपने इंडिया में कोई भी एक ऐसा केस सुना है कि जिसमें गैंगस्टर लोगों ने किसी रंडी का मर्डर किया है आप बताओ मुझे व्यूअर तो बताओ किसी भी गैंगस्टर ने बहनचोद आज तक किसी रंडी को मारा है क्या पनोड़ी भाई नहीं। तो भाई तुम पहले अच्छी औरत बन जाओ तुम रंडी का काम छोड़ दो मादरचोद ये अपने घर में जितने भी लोग देख रहे हैं नो नेवर नहीं भाई जो बात बोल रहे हैं के साथ बोल रहे हैं मलाइका की बात बता रहा हूँ ये मेरी दोस्त थी दोस्त है और दोस्त रहेगी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी इसके साथ कोई दुश्मनी है नंबर वन अभी तो मैं नंबर टू शेरनी मेरे लंड पे मेरी नियत देखा होगा नीचे से शेरनी मेरे लंड पे और माँ की चूत महाजन की जो इसको गालियां दे माँ का भोसड़ा फाड़ूंगा मैं थोड़ा सा बिजी था और हमारे बीच में ना तो कोई फूट डलवा सकता है ना ही किसी के गांड में इतना दम है भाई देखो यार हम लोगों की लाइफ का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि हमको पागल करना है हम कुछ नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ पागल कर रहे हैं आप 8 घंटे लाइव चलाओ आप 5 दिन लगातार लाइव चलाओ हम 1 दिन लाइव चलाएंगे और 5 मिनट बोलेंगे पर 5 मिनट में हम नरक में जाके तुम्हारे पति को मादरचोद जूते चप्पल और तुम्हारे कालू बेटों की मादरचोद जो पहाड़गंज से जिसको तुम उठा के लाई थी जो गांड मरवाता है UK में 3.5 लाख रुपए कमाता है तो उसके मुंह पे लंड देंगे हम वो सिर्फ हम काम करते हैं यार हम किसी के लिए भौंकते नहीं है बहनचोद। अब मैं लास्ट टाइम ये बात कह रहा हूँ एक दिन ये लोग नीचे किसी ने कमेंट किया है सूफी कपिलपुरी से डरता है भाई डरता नहीं हूँ कोई मुझे प्यार करता तो मैं उसकी रिस्पेक्ट जरूर करता हूँ। एक दिन मैं फंस गया था हिमाचल में मेरी सोने की रिंग थी बहुत महंगी तो नहीं थी बट बहुत इम्पोर्टेंट थी वो गुम हो गई थी तो उस टाइम पे यूपी के मैं बताना नहीं चाहता बहुत बड़े आदमी के बहुत खास आदमी से पुलिस स्टेशन में फोन गया था तुरंत उसी टाइम खड़े पैर कार्रवाई हुई थी भाई जिस इंसान ने आपकी मदद की हो
जिस इंसान ने आपको प्यार दिया हो आपको उसको गाली नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए मेरा उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बस इतनी सी बात है। हाँ, मलाइका मेरी दोस्त है, इसका और कपिल का झगड़ा है तो इसलिए मैं कपिल को गाली नहीं देता हूँ, सीधी सी बात है। मैं डरता नहीं हूँ किसी के बाप से भी, हाँ रिस्पेक्ट वाला रिश्ता है, बट मेरी दोस्त तो मलाइका। इंस्टाग्राम में एक बात बताओ, कौन ने किसका उखाड़ लिया? हाँ। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता इंस्टाग्राम में, बस इतनी सी बात थी, आज मैंने बता दिया, मेरे को दोबारा मत पूछना कोई भी। बहुत जल्दी चलती हुई लाइफ पे शान की पिटाई होगी, या जब उसकी पिटाई होगी तो उसकी वीडियो वायरल होगी, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको, पनोड़ी भाई को, मलाइका, आप सबको मैं डीएम में दे सकता हूँ, क्योंकि अभी प्लान चल रहा है, उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ मैं सबके सामने। देखो भाई, हम लोग तो छोटे लोगों की बात नहीं करते हैं यार। शेरनी एक रंडी है मादरचोद, और प्रोफाइल रखा है। अब बेटे को मेल कर दें क्या उसका वीडियो मादरचोद की? तेरी माँ चूत के बाल पाड़ने के लिए बोल रही है, बहन के लबड़े जाके अपनी माँ के चूत के बाल बना ले बाबा। तेरी माँ, मैंने क्या पूछा? मैंने एक सवाल पूछा, कल को बेटे की शादी होगी, हाँ, जब बहू घर पे आएगी भाई, बहू को मादरचोद चखला में ना बैठा दी ये शेरनी तो बोलना। शेरनी गाली दे रही बाबा को, आपको मिशन सक्सेसफुल। यार मैं तो कभी कभी ऐसा हैरान होता हूँ बहनचोद, इंसान इतना गंदा भी गिर सकता है, जिसको अपनी परवाह नहीं, अपने मरे हुए पति की परवाह नहीं, अपने भाई बच्चों देखो की यार, परवाह इसके नहीं। परिवार का खानदानी काम है। पहले इसकी माँ कोठे में बैठती थी नेपाल में, फिर इसने अपनी बेटी को तैयार किया। इसकी दूसरी बेटी का, दूसरी बहन का भी प्रोफाइल वोफाइल सब आ चुका है फेसबुक में। फेसबुक में क्या नाम है इसकी बहन वहन का सब कुछ है भाई अपने माँ छोड़ दो बहन की लोड़ों की सब। हाँ, तो अगर आप सोच रहे हो कि हम आपके परिवार तक नहीं पहुंच सकते, तो हम पहुंच सकते हैं, आप नहीं पहुंच सकते। माँ चोद पूरे जनता भी भाग गई, बहन चोद पागल कर दिया उसको। दिख रही है दूसरे आईडी से और गाली दे रही है। यही तो औकात है बहन चोद, आप हमारी फेक आईडी से लाइव देखोगी और हमको गाली दोगी, हम लोग फेक आईडी बना के आपकी लाइव नहीं देखेंगे। हाँ, और 5 मिनट बस गाली देंगे माधव चौध। अगर तुम 3 दिन तक गाली ना दी ना, तो नाम बदल देना मेरा। और तू बोल बहन चौध गिरा हुआ टट्टी बोलती थी, गिरा हुआ टट्टी बहन चौध। मैं पनोड़ी भाई, मैंने लाइव चालू किया, मैं सोचा कि कोई ना कोई तो कमेंट करेगा, एक सिंगल बंदा कमेंट नहीं किया। ब्लॉक कर रही है बाबा आपको। अरे रंडी, तेरे पति को नरक पे जाके चोदूंगा, तेरे पति को बहन वाली। ये बहनचोद उल्टी करके चाट लेती है और बता। अरे ये बहनचोद मेंटल बैंकरप्ट हो गई है भाई, ये पागल हो गई है। मैं टाइगर ग्रुप, मेरे मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये है वो है। टाइगर ग्रुप वालों, फिर 5 मिनट बाद बोली टाइगर ग्रुप वालों मैं तुम्हारी मां चोद दूंगी 15 दिन बाद, इतने दिन बाद। बहनचोद वो खुद पागल हो गई, उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है बहनचोद। मेरे को तो लगता है कि भारत सरकार को मादरचोद को इसको इसको देखने के लिए टैक्स लगाना चाहिए। 8वां अजूबा है मादरचोद। बहन की लौड़ी को देखने का टैक्स लगाए ना इंडियन गवर्नमेंट, तो जीडीपी 5 ट्रिलियन की अगले साल ही टच कर देगी। तूने देखी है मलाइका इसकी वीडियो? भाई पहले बोलती थी गिरा हुआ इंसान के बारे में मैं बात नहीं करूंगी, वो तो चेहरा दिखा के नहीं आता, ये दिखा के नहीं आता। बहन की लौड़ी, चेहरा दिखा के नहीं आता तब भी तेरे बाप को तुझसे ज्यादा लोग देखते हैं, और चेहरा दिखा के नहीं आता मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा अगले दिन। अरे वो गिरा हुआ इंसान ने मुझको ये बोला, मेरे पति को जाके चोट दिया। तेरे पति को जूते से मारूंगा, जिमी चीको के जूते से मारूंगा बहन के लवड़ी। नहीं, थोड़े दिन के बाद बाबा ये भी नरक में जाने वाली है, मैंने सपने में देखा, इसका पैर चिर गया और जगह में खत्म, ऐसे चल रही थी फिसल के ऐसे। और अच्छा, जो लोग इसकी लाइव देखते भी है ना, वो सिर्फ इसको कमेंट करने जाते हैं कि ये लोग कितना पागल हो सकते हैं, और उसको नीचे से गाली ही देते हैं भाई। शुरू से कोई बाबा, उसको ये नहीं बोलता कि
सेडनी आई रियली अप्रिसिएट यू और बहनचोद बहुत अच्छा टैलेंट है। अरे भाई आप 25-25 किलो की गांड लेके रोड में जाके डांस करती हो उसे टैलेंट नहीं बोलते, पेड़ में चढ़ जाती हो उल्टा माधवचोद बांदर की तरह और फिर गांड तुड़वा के नीचे गिर जाती हो तो उसे टैलेंट नहीं बोलते हैं भाई। वो गांड उल्टा करके माधव जो आमा के पेड़ में चढ़ जाती है फिर वहां पे डांस करती है सरकाई लोग खटिया झाड़ा लगे। अरे बहन वो पेड़ है माधव चोद, ये चमगादड़ थी पिछले जन्म में बाबा, इसलिए उल्टी लटक जाती है और जब टट्टी करती है टट्टी इसके मुंह में गिर जाती है बाबा। आपको छक्का बोल रही है वो, अरे बहन चोद हम कौन है हम कौन नहीं है, हमको दूसरों से वो चाहिए क्या यार। पनोड़ी भाई कहाँ चले गए। हाँ नो कॉल विच हुंजड़ी पनोड़ी भैया पनोड़ी को म्यूट करके हाँ, हाँ, बात करो यार बहनचोद यहाँ पे गांड फट गई है पता नहीं क्या थी। यस ब्रो 18 या ओ आई डजंट चार्ज यू फॉर दैट करे 18 आप बात करो मैं थोड़ा यहाँ पे काम में हूँ ना। अच्छा। क्या बेच रहे हो पनोड़ी भाई 8 का 18 अरे 18 पैक बोला तुम भी बस तुम्हारी भी चीजें बहन तो लंड और चूत पे ही खत्म होती है और शुरू होती है सूफी भाई